चैल चौक में गोहर और चैल चौक व्यापार मंडल तथा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह से मुलाकात की और उनसे सिविल अस्पताल गोहर में तैनात चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन ठाकुर का तबादला करने का विरोध जताया। वहीं ठाकुर ने आश्वासन दिया कि सिविल अस्पताल गोहर में चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन ठाकुर की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि नागरिक चिकित्सालय गोहर में तैनात चिकित्सा विशेषज्ञ का स्थानांतरण नहीं होने दिया जाएगा। ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि सिविल अस्पताल गोहर में चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन ठाकुर की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि गोहर सिविल अस्पताल के अधीन करीब 100 पंचायतों की हजारों की आबादी चिकित्सा सेवाएं ले रही है, मगर यहां सरकार ने प्रतिनियुक्ति आधार पर एमडी की अस्थायी तैनाती की थी, जिसके बाद सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए एमडी का स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए थे। कह दिया है कि यहाँ डॉक्टरों के, जो मैंने अपने कह दिया कि डॉक्टरों की तैनाती कर जाएगी, मेडिकल स्पेशलिस्ट आप यहाँ लगाए जाए, जिन लोगों की मांग है उस मांग को पूरी किया जाए। वहीं सभी ने स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन की सराहना की और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। मैं ठाकुर साहब का स्पेशली थैंक्स करता हूँ। गोर की तरफ से, ग्राम पंचायत गोर की तरफ से, व्यापार मंडल गोर की तरफ से और व्यापार मंडल चैल चौक की तरफ से हमारा एक डेप्टेशन आया था, कम से कम 200 लोगों का डेप्टेशन निर्णय आया था। ठाकुर साहब से के पास जो डॉक्टर रोशन है, एमडी है, उनका जो स्थानांतरण यहाँ से हो गया उसको रद्द करने के लिए हमने आज डेप्टेशन ठाकुर कौल सिंह के पास रखा है और ठाकुर साहब ने हमारी बात मांग भी ली। इस चीज़ के लिए हम स्पेशली धन्यवाद करते हैं, समस्त जनता उनकी आभारी रहेगी। मैं ठाकुर कौल सिंह का धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने हमारी मांग स्वीकार कर ली। हमें यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी होती थी, इसलिए हमें मंडी जाना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था। जो डॉक्टर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे, उन्होंने हमारी मांग मान ली, उनको वापस रख लिया, तो हम उनका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हालांकि इससे पूर्वी क्षेत्र के लोग विशेषज्ञ की स्थायी तैनाती को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले भी थे, लेकिन उसके बाद भी तबादला आदेश जारी करने पर शुक्रवार को फिर स्थानीय लोगों ने चैल चौक में कौल सिंह से मुलाकात कर एमडी डॉक्टर रोशन ठाकुर की स्थायी नियुक्ति की मांग की। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट।